दोस्तों नमस्कार। आईपीएल चल रहा है धूम धड़ाके से, बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं। आज पंजाब किंग्स को खेलना है शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स से गुवाहाटी के मैदान में। गुवाहाटी में पहली बार यह मुकाबला आयोजित किया जा रहा है, जहां एक अच्छी खबर है तो एक खराब खबर भी है पंजाब किंग्स के खेमे में। अच्छी खबर यह है कि कागिसो रबाडा जो है वो उपलब्ध हो गए हैं, दक्षिण अफ्रीका के स्पीडस्टर हैं, और उन्हीं के साथी को भी हमने एक दिन पहले खेलते हुए देखा है, एनरिक नोकिया को। अब रबाडा भी पूरी तरह से फिट हैं, वो अब खेलने के लिए तैयार हैं। और वहीं लियाम लिविंगस्टोन जो हैं करीब करीब पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो ईसीबी है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, उसने उनके फिटनेस प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट उनको अभी तक नहीं दिया है। तो जब तक वो फिट नहीं होंगे तब तक उन्हें मंजूरी नहीं मिलेगी भारत दौरे के लिए, आईपीएल में खेलने के लिए। तो ये एक खराब खबर भी है पंजाब के खेमे से। तो अब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर ओपनर्स देखेंगे तो कप्तान शिखर धवन के साथ प्रभ सिमरन सिंह हैं। प्रभ सिमरन सिंह ने इस बार मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में तीसरे स्थान पर रहे हैं, तो ये उनकी सलामी जोड़ी है। और उसके बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों की बात करें तो भानुका राजपक्षे हैं श्रीलंका के, जो आमतौर पर कैमियो रोल में आते हैं और 9-10 गेंदों पर 25-30 रन बनाकर चले जाते हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। और उसके अलावा जितेश शर्मा है और शाहरुख खान है, ये तेजतर्रार बल्लेबाजी करने में माहिर है। ऑलराउंडर के तौर पर जो वर्ल्ड कप के सितारे, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द फाइनल और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे हैं सैम करन, वो इस खिलाड़ी इस टीम की बहुत बड़ी ताकत है। और उसके अलावा सिकंदर रजा भी ऑलराउंडर के तौर पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर गेंदबाजों की बात करें तो अर्शदीप सिंह और कागिसो रबाडा जो कि उपलब्ध हैं इस मैच के लिए, और साथ ही राहुल चाहर आपको गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। और इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर ऋषि धवन, जिन्होंने प्रभावित किया था पिछले मुकाबले में और यहां पर भी वो उपलब्ध हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि पंजाब की टीम जो कि पिछले मुकाबले में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर केकेआर की टीम को 7 रन से हराने में कामयाब रही थी, इस बार भी उसके इरादे बुलंद हैं। और पिछली बार आपको याद दिला दें कि प्लेऑफ में 2014 में ये टीम पहुंच पाई थी आखिरी बार। और अब बरसापा स्टेडियम जो कि गुवाहाटी का स्टेडियम है, जो रनों से भरपूर पिच है, वहां पर यहां के पावर हिटर कितना कहर बरपाते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और वैसे 2019 से छठे स्थान से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है पंजाब किंग्स की टीम। आप क्या सोचते हैं, अब इस बारे में अपनी राय हमें जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।